गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू आई होप ऑडियो एंड वीडियो आपको परफेक्टली सुनाई दे रहा होगा एक बार वाई टाइप करके कॉन्फर्मेशन दीजिए बेहतरीन सा चैप्टर लेकर आया हूँ आपके लिए कन्जेंशन बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं और सबसे इम्पॉर्टेंटली uh, शायद लाइफ में पहली बार लॉजिकली पढ़ने जा रहे हैं अब बहुत सारे बच्चों को इस नए टाइम के बारे में पता नहीं है मैं देख रहा हूँ कि कुछ कम बच्चे कनेक्ट हुए हैं एक बार इसको फटाफट से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए शेयर जरूर करिए जितनों के साथ आप कर पाए राइट धीरे धीरे ऑडियंस बिल्डअप होना शुरू हो जाएगी आई थिंक अभी अवेयरनेस नहीं है कि क्लास uh, का जो समय है लाइव 12 बजे हो चुका है uh, ये जो 12 बजे का समय है बेसिकली रखा ही इसलिए गया था क्योंकि बहुत सारे बच्चों से मुझे फीडबैक मिल रहा था कि सर जो शाम को क्लास होती है वो प्रीमियर होता है रिकॉर्डेड होती है तो उसमें उतना इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता आप लाइव पढ़ाओ तो इस वजह से मैंने 12 बजे का जो स्लॉट है वो लाइव क्लासेस के लिए शुरू किया है फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स बारह बजे आ, हमारा क्लास रहा करेगा लाइव रहा करेगा मैं लाइव आया करूंगा और हम डिस्कस किया करेंगे राइट और समय जो है अभी यही रहेगा इसमें आगे कोई भी चेंजेस नहीं होंगे वो कैब की प्रैक्टिस पी मैंने अपलोड कर दी है आंसर की आज अपलोड होगी प्रैक्टिस पी जो है सैटरडे को अपलोड कर दी गई थी आंसर की जो है उसकी आज, आज आपके पास पहुंच जाएगी चलिए आप सारे रेडी है एक बेहतरीन सेशन के लिए कंजंक्शन को जड़ से पकड़ने के लिए और लॉजिकली सीखने के लिए तो एक बार पूरी एनर्जी के साथ आर टाइप करके दीजिए मुझे मैं क्लास को स्टार्ट करने जा रहा हूं शेयर जरूर करिए अभी बहुत सारे लोगों को आई थिंक पता ही नहीं है कि टाइम बारह बजे हो चुका है मैं देख रहा हूं अभी तक सो ही बच्चे कनेक्ट हुए हैं आज की प्रैक्टिस पीडीएफ भी भेज दी गई है अगर आप चेक करेंगे तो आज की वो कैब की पीडीएफ भी आपको भेज दी गई है एक बार चेक कर लीजिए चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से देखिए कंजंक्शन चैप्टर पर मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूं और ऐसा क्यों है कि यह बहुत ज्यादा जरूरी है पहला सबसे बड़ा रीजन है कि कंजंक्शन चैप्टर को तब तक सॉल्व नहीं किया जा सकता जब तक हम कॉन्सेप्ट नहीं बिठाएंगे लॉजिकली नहीं सीखेंगे अगर हमने इसको रूल की तरह याद किया हुआ है तो हमें इसको समझने में बहुत भारी दिक्कत आने वाली है बहुत प्रॉब्लम्स हम फेस करेंगे अगर हम इसको रूल की तरह दूसरा एग्जामिनेशन में चाहे आप आई का एग्जाम दे रहे हो या एस का एग्जाम दे रहे हो दोनों में कंजेंशन के सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं आई का जो तो ट्रेंड रहा है पिछले दो या तीन सालों में कभी कभी तो स्ट्रेट अवे पांच सवाल कनेक्टर के नाम पर पूछ रहा है सोचिए तीस या पैतीस क्वेश्चन में से पांच आपको पता ही है कि कंजंक्शन के सवाल आने जा रहे हैं तो आप जानते हैं कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और एस एस में भी कंसिस्टेंटली कंजंक्शन का सवाल जो है पूछा जाता है आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग मुझसे किसी ना किसी बैच में कहीं ना कहीं पढ़ चुके हों लेकिन याद रखिए कि मैं स्टार्ट इसको बेसिक से करूंगा

क्लास थ्री लगने वाली है मैं लेसन थ्री लगाने जा रहा हूं दो बेहतरीन लेसन मैं लगा चुका हूं आप होपफुली आपने देखे होंगे इसका समय जो है वो तीन बजे रहता है आज देखिए कंजंक्शन की क्लास में मैं आपसे कंजंक्शन ऑफ टाइम डिस्कस करूंगा जिसमें हमारे वेन बिफोर आफ्टर एज सुन एज एज वंस अंटिल और वाइल क्यों पहली बार डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस दिमाग घुमाने वाले क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं जितना हम फोकस के साथ क्लास को लगाएंगे उतना बेहतर होते जाएंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है प्योर लॉजिक है लेकिन कुछ बेसिक्स समझ लेते हैं पहले कि कंजंक्शन के आखिर होते क्या हैं। स्पेशली वो बच्चे जो पहली बार पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं देखिए कंजंक्शन अगर आप देखते हैं ध्यान से सुनिएगा अगर आप इस कंजंक्शन शब्द को देखते हैं तो इसमें आपको एक वर्ड दिखाई देता है जंक्शन अब जंक्शन पे आप गए होंगे कभी ट्रेन जंक्शन पे गए हैं रेलवे जंक्शन पे गए हैं तो होता क्या है जंक्शन पे होती है कनेक्टिविटी जंक्शन पे क्या होती है कनेक्टिविटी जुड़ाव होता है कोई ट्रेन वहां से आ रही है कोई ट्रेन वहां से आ रही है मिलकर जुड़ जाते हैं मिलकर जुड़ जाते हैं और एक हो जाते हैं ये जो वर्ड आपको देख रहे हैं कौन वर्ड आप देख रहे हैं इसका मतलब होता है टूगेदर एक साथ हो जाना तो भैया एक साथ जब चीजें जोड़ दी जाए टुगेदर क्या कर दिया जाए उनको कनेक्ट कर दिया जाए तो उसको हम जो है कंजंक्शन के नाम से जानते हैं अब कंजंक्शन कनेक्ट करने का काम करते हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा कनेक्ट करते हैं लेकिन किसको कनेक्ट करते हैं वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है बेसिक्स देखिएगा बिल्कुल पूरे फोकस के साथ देखिए कंजंक्शन जो हैं हमारे बेसिकली दो प्रकार के होते हैं पहला जो हमारा कंजंक्शन होता है उसको हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के नाम से जानते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन याद करने की जरूरत नहीं है ऑटोमेटिकली सब याद हो जाएगा दूसरा जो कंजंक्शन होता है उसको हम सबॉर्डिनेट कंजंक्शन के नाम से जानते हैं पहला जो कंजंक्शन है वो हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है दूसरा जो कंजंक्शन है वो हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है अब देखिए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है उनको याद करना बहुत आसान काम होता है उसको हम याद कर सकते हैं फैन बॉयज के नाम से किस नाम से याद कर सकते हैं फैन बॉयज के नाम से याद कर सकते हैं जहां पर एफ का जो मतलब है वो फॉर होता है ए का जो मतलब है एंड होता है एन का जो मतलब है नॉर होता है बी का जो मतलब है बट होता है ओ का जो मतलब है और होता है वाई का मतलब येट होता है और एस का मतलब सो so होता है ये हमारे फैन बॉयज होते हैं कंजंक्शन कंजंक्शन जितने दो प्रकार के यानी जुड़ाव के लिए दो प्रकार की चीजें होती हैं एक हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन फैन बॉयज फॉर एंड नॉर बट और सो और बाकी जो बच गए मैं लिखूंगा नहीं बाकी जो बच गए क्योंकि लिख लिखूंगा तो आप याद करेंगे और याद करेंगे तो आप गलत डायरेक्शन में जाएंगे जो भी रिमेनिंग है वो हमारे सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है अब रिमेनिंग कौन से हैं वो मैं एक एक करके ये सेशन हमारा पांच दिन चलेगा एक एक करके मैं आपको हर क्लास में बाकी बचे हुए कंजंक्शन के बारे में जानकारी दूंगा जिससे कि लॉजिकली आप उसको समझ पाए देन याद करने के अभी के लिए समझना क्या जरूरी है देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइप फर्स्ट इज द कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट वन एंड द सेकंड वन इज सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट याद कर लीजिए फैन बॉयज के नाम से और सबऑर्डिनेट जो है बाकी बच गए वो हमारे क्या है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है होपफुली बहुत ही आसान बात है सभी को एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी अभी जरा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा देखिए जो कंजेंशन होते हैं ये कनेक्ट तो करते हैं लेकिन ऐसा ही नहीं किसी को भी उठाकर कनेक्ट कर देंगे इनका भैया अपना रुतबा है अपना ईगो है ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान से सुनिएगा सिर्फ और सिर्फ ये कनेक्ट करेंगे किसको क्लॉजेस को अब ये क्लॉजेस इतना खतरनाक शब्द मालूम पड़ता है कि आदों के हौसले तो यहीं पर इसको देखकर ही पस्त हो जाते हैं तो भैया बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा जब तक किसी सेंटेंस में ध्यान से सुनिएगा जब तक किसी सेंटेंस में कोई भी कंजंक्शन ना हो कोई भी कंजंक्शन ना हो जैसे मैंने यहां पर लिखा राम प्लेस हॉकी राम प्लेस हॉकी एक सिंपल सा सेंटेंस है आप देख रहे हैं कोई भी कंजंक्शन नहीं लगा हुआ ऐसे सेंटेंस ऐसी चीज को जहां पर फुल स्टॉप लगा होता है उसको हम कह देते हैं क्या सेंटेंस कह देते हैं कोई भी चीज जिसमें क्या लगा होता है फुल स्टॉप लगा होता है उसको हम सेंटेंस कह देते हैं अब हमारे अंदर अगर मान लीजिए एक इच्छा जागृत हो कि यार ये तो बहुत छोटा सा सेंटेंस है हमें थोड़ा बड़ा सा बनाना है एक बात और कह देते हैं कन्वेंशन लगाकर तो अगर मैं यहां पर एक बात और कहूं मान लीजिए मैं कहता हूं कि राम प्लेस हॉकी And Shyam plays cricket. तो अगर आप गौर से देख रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा अगर आप गौर से देख रहे हैं तो मैंने इस छोटे से सेंटेंस के साथ एक छोटा सा खेल खेला है उन बच्चों के लिए जो पहली बार पढ़ रहे हैं जो बेसिक्स से शुरुआत कर रहे हैं अगले पांच मिनट बहुत ही जरूरी हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को मान लीजिए मैंने यहां पर क्या किया आप देख रहे हैं कि ये ऊपर जो मैं कह रहा था इसको सेंटेंस कह रहा था क्योंकि यहां पर फुल स्टॉप लगा था अब फुल स्टॉप तो लगा नहीं है तो अभी मैं इसको सेंटेंस नहीं कह पाऊंगा क्योंकि सेंटेंस की निशानी होती है कि बाद में फुल स्टॉप लगा होता है तो अभी यह सेंटेंस नहीं रहा एक बीच में मुझे कंजंक्शन दिखाई दे रहा है एंड एक मुझे कंजंक्शन दिखाई दे रहा है एंड और अगर आप इसके बाद देखेंगे तो आपको एक सेंटेंस जैसा और दिखाई दे रहा है तो याद रखिए कि इस एंड ने एक इस चीज को और एक इस चीज को जोड़ रखा है एक इस चीज को और एक इस चीज को जोड़ रखा है क्या हम इसको सेंटेंस कह दें कि कंजंक्शन ने इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को जोड़ रखा है आंसर है नहीं सेंटेंस हम बोल नहीं पाएंगे क्यों नहीं बोल पाएंगे <coughs> फुल स्टॉप नहीं है फुल स्टॉप नहीं है तो सवाल है क्या बोलें तो याद रखिए कि जब आपके सेंटेंस में आपको एक सब्जेक्ट और एक वर्ब दिखाई दे जब आपको आपके सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब दिखाई दे तो उसको हम ग्रामर की भाषा में कहते हैं क्या क्लॉज कहते हैं क्या कहते हैं क्लॉज कहते, है? कहते हैं तो यहां पर राम आपका सब्जेक्ट है प्लेज आपका वर्ब है तो राम और प्लेज हॉकी क्या हो गई ये क्लॉज हो गए क्लॉज का कोई अर्थ नहीं है क्लॉज का मतलब है सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्लॉज का मतलब क्या है इतनी आसान है क्लॉज का मतलब है सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्लॉज मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब अब ये ये जो क्लॉजेस ध्यान से सुनिएगा दे कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स तीन तरीके की हो सकती हैं कौन से तीन तरीके हैं मैं आपको समझा देता हूं देखिए एक क्लॉज तो ये रही सब्जेक्ट राम रहा प्लेज वर्ब रहा वहीं आप इधर देखेंगे तो आपको एक क्लॉज यहां भी नजर आ रही है श्याम रहा प्ले रहा तो ये भी रहा सब्जेक्ट और ये भी रहा वर्ब तो ये भी क्या हो गई बेटा क्लॉज हो गई तो अब देखिए ये भी क्लॉज है इस तरफ जो लिखी है वो भी क्लॉज है इस तरफ जो लिखी है वो भी क्लॉज है अब ध्यान से सुनिए मेरी बात जो क्लॉज जो क्लॉज किससे जुड़ी होती है कंजंक्शन से जुड़ी होती है देखिए कंजंक्शन से जुड़ी हुई है एंड आपका कंजंक्शन है मैंने फैन बॉयज में कराया था जो क्लॉज आपकी कंजंक्शन से जुड़ी होती है वो या तो आपकी क्लॉज हो सकती है कौन सी या तो वो हो सकती है, है। दोबारा सुन लीजिए जो क्लॉज आपकी कंजंक्शन से जुड़ी होती है किससे जुड़ी होती है कंजंक्शन से जुड़ी होती है जैसे एंड है तो एंड के बाद वाला हिस्सा या तो कोऑर्डिनेट क्लॉज हो सकता है या सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकता है पता कैसे चले कि भैया कोऑर्डिनेट है या सबऑर्डिनेट है तो देखिए ये ये जो एंड है ये मैंने आपको बताया था कि ये फैन बॉयज का हिस्सा है फैन बॉयज में जो ए है उसका मतलब क्या है एंड है और फैन बॉयज कौन से कंजंक्शन है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है मैं बताकर आया हूं ऊपर कौन से कंजंक्शन है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो ये क्लॉज क्योंकि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से बन रही है तो इसको हम कोऑर्डिनेट क्लॉज बोलेंगे इसको हम क्या बोलेंगे कोऑर्डिनेट क्लॉज हम बोलेंगे रीजन बीइंग क्योंकि ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ बन रही है क्योंकि ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ बन रही है इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे कोऑर्डिनेट क्लॉज बोलेंगे अब जरा ध्यान से सुनिए और समझिए सपोज करिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं मैंने कहा I will meet you if you come. क्या कहा मैंने I will meet you if you come. आपको अभी जानकारी हो सकता है ना हो लेकिन आगे मैं आपको सिखाऊंगा कि यह जो if है ये भी एक कंजंक्शन होता है ये भी क्या होता है कंजंक्शन होता है अब आपको एक बात तो पता चल गई कि ये जो इफ के साथ लिखा हुआ हिस्सा है ये वाला जो हिस्सा है ये या तो कोऑर्डिनेट क्लॉज है या सबऑर्डिनेट क्लॉज है जरा सोचिए दिमाग पर जोर डालिए क्या इफ कंजंक्शन फैन बॉयज का हिस्सा है क्या एफ है क्या ए है क्या एन है क्या, एन है? क्या बी है क्या ओ है क्या वाई है क्या एस आंसर है नहीं यानी बाकी बचा हुआ ये हुआ यानी ये जो इफ है ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं है कौन सा कंजंक्शन है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो ये जो क्लॉज बन रही है ना इसको हम क्या बोलेंगे सबऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट क्लॉज क्लॉज बोलेंगे बोलेंगे इसको हम क्या बोल देंगे मतलब वो क्लॉज जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से बने कोऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से बने वो सबऑर्डिनेट क्लॉज और बेचारी ये जो प्यारी सी अकेली रह गई जिसके साथ कोई कंजंक्शन ही नहीं है जिसके साथ कोई कंजंक्शन ही नहीं है जिसके साथ पहले कोई भी कंजंक्शन लिखा ही नहीं है उसको हम ग्रामर की भाषा में कह देते हैं मेन क्लॉज क्या कह देते हैं मेन क्लॉज ये इतना आसान है आप दुनिया की कोई भी ग्रामर की किताब खोल लीजिए जरा क्लॉज के टॉपिक में चले तो जाइए ना आपको चक्कर आ जाए समझने में क्लॉज का मीनिंग क्या होता है इतनी बकवास की हुई है वहां पर बकवास नहीं है सही है लेकिन उस लेवल की लर्निंग की जरूरत नहीं है आपको आपके एग्जाम में यह पूछा ही नहीं जाएगा क्लॉज क्या होता है थ्योरी तो आती नहीं है आपको सिर्फ यूसेज समझना है एप्लीकेशन समझना है तो एप्लीकेशन कहता है कि एंड के साथ फैन बॉयज के साथ बनेगी तो कोऑर्डिनेट क्लॉज बन जाएगी बाकी किसी कंजंक्शन के साथ बनेगी तो सबऑर्डिनेट क्लॉज बन जाएगी और अगर इंडिपेंडेंट है कोई नहीं है तो भैया मेन क्लॉज तो होगी क्या होगी मेन क्लॉज तो होगी ही तो ये हमारा बिल्कुल समतल ग्राउंड है कंजंक्शन का कंजंक्शन का दीज आर बेसिक्स ऑफ कंजंक्शन कंजंक्शन कैसे होते हैं दो प्रकार के कोऑर्डिनेट एंड सबऑर्डिनेट जोड़ते किसको है क्लॉजेस को जोड़ते हैं तीन तरीके की clauses होती हैं: मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर ये आपका फाउंडेशन एकदम क्लियर है एकदम क्लियर है तो एक बार मुझे वाई टाइप करके दीजिए बढ़िया तरीके से मैं आता हूं मुद्दे की बात पर कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है और हम कौन सा कंजंक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं फटाफट से चलिए बहुत ही बढ़िया अब देखिए अगर आप अभी जुड़े हैं तो भैया लाइक और शेयर जरूर करिए इसको और अगर आप पहली बार ही जुड़े हैं आपने कभी लेसन ही नहीं लगाया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इसको सब्सक्राइब करिए और जब क्लास एंड हो जाए तो एक्सप्लोर करिएगा कि पास्ट में इस चैनल पे क्या कराया गया है हम पहली बार अंग्रेजी को संपूर्ण रूप से देख रहे हैं और इस संपूर्ण रूप की तैयारी जो आपको दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगी अंग्रेजी के तीनों स्तंभों पर तीनों पिलर्स पर फोकस कर रहे हैं पहला पिलर वोकैबलरी आठ बजे हम वोकैबलरी करते हैं एवरी डे विदाउट बारह बजे हम अपना ग्रामर करते हैं विदाउट मिस एंड देयर आफ्टर तीन बजे हम अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हैं क्योंकि तीनों मिलजुल कर ही हमारी संपूर्ण अंग्रेजी एग्जाम के लिए तैयार हो सकती है कोई भी एक भाग करने से कभी तो भी रिजल्ट नहीं आएगा पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करिए एक्सप्लोर जरूर करिएगा आफ्टर द क्लास चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखिएगा ध्यान से सुनिएगा सबसे पहला जो कंजंक्शन यानी सबसे पहले जो कंजंक्शन टाइप्स में आपको डिस्कस करने जा रहा हूं या आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं वो ये है हमारे कंजंक्शन ऑफ टाइम कहते हैं वेन बिफोर आफ्टर एज सुन एज एज वंस अंटिल while मैं आपको सिंपल सी ध्यान से सुनिएगा चलिए आप मुझे देख पा रहे होंगे दोबारा से आई थिंक होगा फाइव सेकेंड्स के लिए लेकिन अब आप मुझे देख पा रहे होंगे बिल्कुल अब देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा पहला जो हम कंजंक्शन टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं व्हेन बिफोर आफ्टर एज सुन एज एज until, वाइल जरा ध्यान से देखिए मैं कुछ बना रहा हूं मैं आपको सबको पहले एक साथ समझाने की कोशिश करता हूं फोकस करिएगा मान लीजिए मान लीजिए कि ये जो है आपकी समय रेखा है ये जो है आपकी क्या है समय रेखा है टाइमलाइन है ये आपकी अब देखिए इस टाइमलाइन पर अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए कोई काम हुआ कोई काम हुआ काम को इंग्लिश में हम कहते हैं इवेंट मान लीजिए क्या हुआ कोई काम हुआ इवेंट हुआ एक एग्जांपल से समझते हैं मान लो तुम्हारी नौकरी लग गई मान लो तुम्हारी नौकरी लग गई तुम्हारी नौकरी लगना एक इवेंट है तुम्हारी नौकरी लगना एक इवेंट है अब इस इवेंट के साथ कुछ चीजें होंगी ध्यान से सुनिएगा तुम्हारी जिंदगी में इस इवेंट से पहले भी कुछ हुआ होगा यानी इस तरफ कुछ हुआ होगा और ये नौकरी लगने का जो इवेंट हो जाएगा इसके बाद भी कुछ होगा इसके बाद भी कुछ होगा एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं मान लो ये नौकरी लगने का इवेंट है तो इससे पहले तुम्हारी कोचिंग तुमने की होगी इससे पहले तुमने हो सकता है अपना ग्रेजुएशन पूरा किया हो इससे पहले हो सकता है तुमने क्लासेस लगाना शुरू किया हो स्कूलिंग अपने पूरी की हो यानी इस इवेंट से पहले जिंदगी में कुछ चीजें हुई होंगी लेकिन जिंदगी तो रुकती नहीं है इस इवेंट के बाद भी कुछ चीज होंगी अब भैया नौकरी लग गई लड़की वीडियो देखेंगे, देखेंगे शादी के लिए तुम तैयार हो रहे हो ये बाद का इवेंट है राइट फिर तुम शादी करोगे फिर तुम लड़ोगे पूरी जिंदगी ये उसके बाद का इवेंट है तो कहने का मतलब है कुछ चीजें जिंदगी में बहुत ध्यान से सुनिएगा कुछ चीजें जिंदगी में इस तरफ होंगी कुछ चीजें इस तरफ होंगी कुछ चीजें इस तरफ होंगी कुछ चीजें इस तरफ होंगी अगर इस इवेंट के इस तरफ कुछ चीजें होती हैं ध्यान सुनिएगा किस तरफ इस तरफ कुछ चीजें होती हैं कंजंक्शन है हमारे क्या बिफोर कंजंक्शन क्या है हमारा बिफोर कंजंक्शन क्या है हमारा बिफोर अगर इवेंट के इस तरफ चीजें होती हैं यानी इवेंट होने से पहले कुछ चीजें होती हैं तो कंजंक्शन हमारा क्या है बिफोर है अब ध्यान से सुनिएगा मान लीजिए कि कुछ चीजें इवेंट होने के बाद हो इवेंट होने के बाद हो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं मान लो ये 2022 का टाइम है तो अगर मुझे 2021 के इवेंट को नरेट करना है तो बिफोर हो गया ये राइट right? क्या हो गया बिफोर हो गया अब मान लीजिए कि इस तरफ मैं जाऊं बाद में जाऊं तो हम में से ज्यादातर लोगों को हम में से ज्यादातर लोगों को एक शब्द तो पता होता है आफ्टर ये तो हम में से ज्यादातर लोगों ने सुना होता है कि बाद की बात बतानी है तो आफ्टर लगाएंगे बाद की बात बतानी है तो क्या लगाएंगे आफ्टर लगाएंगे ये इवेंट के बाद आफ्टर पहले बिफोर लेकिन जो चीजें पता नहीं होती उसके बारे में बात करते हैं देखिए जब हमें बाद की चीजें बतानी हो तो हम आफ्टर यूज कर सकते हैं बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही बात है हम आफ्टर यूज कर लेंगे लेकिन सिर्फ आफ्टर ही नहीं है हम यूज कर सकते हैं क्या वेन मैं आपको सब एग्जाम्पल से समझाऊंगा जब हम किसी चीज के साथ वेन यूज करते हैं तब भी हम ये कह रहे होते हैं कि वो काम उस इवेंट के बाद ही हुआ होगा वो काम उस इवेंट के कब हुआ होगा बाद ही हुआ होगा कब हुआ होगा बाद ही हुआ होगा दोबारा सुन लीजिए आफ्टर दूसरा क्या वेन तीसरा देखिए तीसरा क्या वंस, जब भी हम जब भी हम वंस यूज करते हैं तब भी हम कहीं ना कहीं ये कह रहे होते हैं कि ये काम जो है इस इवेंट के बाद ही हुआ होगा कहा हुआ होगा बाद तो बाद में जब हमें कोई बात बतानी हो तो बताने का एक तरीका अकेला आफ्टर नहीं है हम वेन भी कह सकते हैं हम वंश भी कह सकते हैं अलग अलग तरीके हैं मैं तीनों आपको समझाऊंगा लेकिन बोले हम तीनों ही तरीके से जा सकते हैं हम आफ्टर भी लिख सकते हैं वेन भी लिख सकते हैं वंश भी लिख सकते हैं अब देखिए ध्यान से दे सुनिए अभी मैं रिफ्रेश कर रहा हूं मैंने क्या सिखाया पहले का बताना है तो बिफोर के सारे बता देते हैं बाद का बताना है तो आफ्टर वेन और वंस के सहारे बता देते हैं पहले और बाद में ध्यान से सुनना लेकिन हमारी जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं हमारी जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनको हम ना तो पहले कैटेगराइज कर सकते हैं ना बाद में कैटेगराइज कर सकते हैं जैसे मान लो मैं इस कमरे में दाखिल हुआ हाथ आगे बढ़ाया कमरे में और बल्ब ऑन कर दिया यानी ट्यूबलाइट ऑन कर दी तो मेरा दाखिल होना और ट्यूबलाइट का ऑन होना इन दोनों के बीच में क्या ज्यादा गैप नहीं है ज्यादा गैप नहीं है तुरंत ही हुए एकदम हुए कैसे काम हुए हैं एकदम हुए काम कैसे हुए हैं एकदम हुए तुम क्लास में बात कर रहे थे बात करने के लिए तुम मुड़े टीचर ने पीछे से रख दिया तुम्हारे सर पे दोनों कामों में गैप नहीं है एकदम हुए हालांकि माइन्यूट गैप हो सकता है एक सेकेंड माइनस मतलब नैनो सेकेंड का गैप हो सकता है लेकिन आम नजरिए से देखा जाए तो दोनों काम कैसे हो रहे हैं एक साथ हो रहे हैं कैसे हो रहे हैं एक साथ हो रहे हैं ठीक है तुमने अपने ऊपर सर्दियों में ठंडा पानी डाला तुम्हें ठंड लग गई एकदम ठंड लगी तो ऐसा तो नहीं है कि पानी अभी डाला ठंड तुम्हें आधे घंटे बाद लगेगी दोनों काम एक साथ हो रहे हैं तो एक तीसरी सिचुएशन भी पैदा होती है बहुत ध्यान से सुनिएगा एक तीसरी सिचुएशन भी पैदा होती है और वो सिचुएशन है कि काम ना जहां पर ध्यान से सुन लीजिएगा काम ना जहां पर पहले हो ना काम जहां पर बाद में हो लगभग एग्जैक्ट नहीं कह सकते लेकिन लगभग साथ साथ ही हो लगभग साथ साथ ही हो गैप ही ना हो ना के बराबर गैप हो और इस ना के बराबर गैप को बताने के लिए जो हम कंजंक्शन यूज करते हैं पहला है एज एज का एक मतलब क्योंकि भी होता है लेकिन यहां पर मतलब क्योंकि नहीं है दूसरा है एज सुन एस तीसरा है While. और चौथा है और चौथा है क्या अंटिल ये हमारे आपने अगर गौर से देखा हो मैंने सारे के सारे जो कंजंक्शन यहां पर लिखे हैं इनको मैंने टाइमलाइन पर उतार दिया जब आपका कहने का उद्देश्य हो अरे यार जब मेरी नौकरी लगी थी ना उससे दो साल पहले मैंने कोचिंग की थी बिफोर जब यार मेरी नौकरी लगी थी ना उसके दो साल बाद मैंने शादी की थी आफ्टर वेन और वंश ठीक है जब यार मेरी नौकरी लगी थी ना मैंने तुरंत दोस्तों को पार्टी दी थी मतलब मेरे पिताजी ने तुरंत मुझे कॉल किया था एज एज सुन एज वायल और अंटिल वायल और अंटिल आपने अपने दिमाग में पहले यह चित्रकारी क्लियर रखनी है आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए जब ऑप्शन दिखाई दें। जैसे ही दिखाई दे एज एज सुन एज वाइल आफ्टर वेन वंस बाद में बाद में बाद में बिफोर पहले इतना क्लियर है एक बार सीएल टाइप करो इंटरेस्टिंग लग रहा है तो सीएल के साथ आई भी टाइप कर देना लॉजिकल लग रहा है तो फटाफट से मैं पानी पी लेता हूं तब तो तक चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़ेंगे अब ये हमने बातें सीख ली कि इनके मतलब क्या होते हैं अब मुद्दा आता है कि एग्जाम में कैसे पूछेंगे इन सवालों को एग्जाम में कैसे हम अपनी नॉलेज को रिफ्लेक्ट करेंगे और किस पैटर्न पे सवाल पूछा जाएगा बहुत बहुत ध्यान से सुनेंगे बहुत ही ध्यान से देखिए बहुत ध्यान से सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं आफ्टर वेन और वंस आफ्टर व्हेन और वंस ध्यान से सुनिएगा आफ्टर वेन और वंस उसके बाद मैं बात करूंगा अंटिल एसुनेस और बाकी सारी चीजों की लेकिन पहले मैं बात कर रहा हूं आफ्टर वेन और वंस बहुत ध्यान से सुनिएगा देखिए मान लीजिए यह टाइमलाइन है यह हमारा प्रेजेंट है यह हमारा फ्यूचर है और यह हमारा पास्ट है मान लीजिए तीन अलग अलग टाइम है ये हमारा प्रेजेंट है ये हमारा पास्ट है ये हमारा फ्यूचर है मैंने एक सेंटेंस लिखा मैंने कहा आई हैड

ये क्लियरली बता देता है कि इससे पहले जो काम लिखा हुआ है वो कब हुआ है बाद में हुआ है कब हुआ हुआ है है। ये बाद में हुआ है। पहले कौन आए हैं पिताजी आए हैं। पहले कौन आए हैं पिताजी आए आफ्टर से पहले जो काम लिखा है वो बाद में हुआ है ये ये कह रहा है मैंने खाना बाद में खाया किसके बाद में पिताजी के आने के बाद में खाया मैंने खाना कब खाया पिताजी के आने के बाद में खाया मैंने खाना कब खाया पिताजी के आने के बाद में खाया तो यहां पर खाना बाद में खाया गया पिताजी पहले आ गए तो हुआ क्या होगा जरा सोचिए कि मान लीजिए ये बंदा कह रहा है अभी प्रेजेंट में है और प्रेजेंट में इसके मान लीजिए पिताजी जो है वो आ गए नौ बजे नाइन पीएम पर इसके पिताजी आ गए और 10 पीएम पे इसने खाना खाया 9 पीएम पर इसके पिताजी आ गए और 10 पीएम पर इसने खाना खाया ध्यान से सुनिएगा 9 पीएम पर इसके पिताजी आ गए 10 पीएम पर इसने खाना खाया तो ये क्या कह रहा है पहले कौन आया पहले पिताजी आए यानी पहले फर्स्ट कौन सा काम हुआ पिताजी का आना बाद में क्या हुआ खाना खाया बाद में क्या हुआ सेकंड नंबर पर खाना खाया दोनों ही काम पास्ट के हैं पिताजी का आना भी पास्ट का है खाना खाना भी पास का है ग्रामर कहती है परफेक्ट के अनुसार कि जो काम हम पहले करते हैं जो काम हम पहले करते हैं उसको हम लिखते हैं पास्ट परफेक्ट में उसको हम लिखते हैं किस में पास परफेक्ट में जो काम हम पहले करते हैं उसको लिखते हैं पास्ट परफेक्ट में और जो काम हम बाद में करते हैं उसको लिखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में उसको लिखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में दोबारा सुन लीजिए ग्रामर कहती है कि अगर दो काम हो रहे हैं एक पहले हो रहा है और एक बाद में हो रहा है तो जो सबसे पहले हुआ होगा उसको तो पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे और जो बाद में हुआ होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे इस आफ्टर को देखकर हमें क्लियरली पता चल रहा है कि पहले ये हुआ है बाद में यह हुआ है तो हमें पता है कि यह पहले वाला काम है तो यह पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए और यह बाद वाला काम है तो यह पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए अब जिसको नहीं पता जिसको इसकी भी समझ नहीं है टेंस की वो समझिए कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट लिखते हैं तो हम सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा देते हैं सेकेंड फॉर्म लगा देते हैं और जब हम पास्ट परफेक्ट लिखते हैं जब हम पास्ट परफेक्ट लिखते हैं तो हम सब्जेक्ट लिखते हैं हेड लिखते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं जब हम पास्ट परफेक्ट लिखते हैं तो हम सब्जेक्ट लिखते हैं हेड लिखते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो अगर आप गौर से देख रहे हैं अगर आपकी आंखें ठीक से काम कर रही हैं तो आप देखेंगे यहां पर had eaten लिखा हुआ है had हो गया पहली sorry, eat पहली फॉर्म होती है सॉरी eat पहली फॉर्म होती है eat दूसरी फॉर्म होती है और eaten तीसरी फॉर्म होती है तो had eaten कौन सी फॉर्म हो गई तीसरी फॉर्म हो गई यानी ये पास्ट परफेक्ट में हो गया लेकिन यहां पर देखेंगे माय फादर केम कम पहली फॉर्म होती है केम दूसरी यानी ये पास्ट इंडेफिनिट में हो गया और इसीलिए ये सेंटेंस क्या हो गया रॉन्ग हो गया कायदे से ये पास इंडेफिनेट में होना चाहिए था और ये पास परफेक्ट में होना चाहिए था क्योंकि पहले वाला काम पास परफेक्ट में आता है बाद वाला काम पास इंडेफिनेट में आता है तो इसको ऐसे लिखना चाहिए था आई एट माय फूड आफ्टर माय फादर हैड कम आई एट माय फूड आफ्टर माय फादर हैड कम ये इसका राइट right यूसेज है तो पहला इस्तेमाल हमने देखा किसका आफ्टर का पहला इस्तेमाल हमने किसका देखा आफ्टर का देखा आफ्टर में क्या होगा एक काम पहले होगा एक काम बाद में होगा पहले वाले काम के साथ आप लगा दीजिए पास परफेक्ट और बाद वाले काम के साथ आप लगा दीजिए पास इनडेफिनेट ये हमारा बेसिक है आफ्टर का दिस इज द बेसिक ऑफ आफ्टर क्लियर है चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा जिस प्रकार से आफ्टर का मीनिंग होता है उसी प्रकार से वेन का मीनिंग होता है जिस प्रकार से आफ्टर का मीनिंग होता है उसी प्रकार से वेन का मीनिंग होता है लेकिन वेन के साथ दो सिचुएशंस होती हैं बहुत ध्यान से सुनिए वेन के साथ दो सिचुएशंस होती हैं जैसे पहली सिचुएशन मैंने लिखी माय मोबाइल फोन ब्रोक व्हेन इट फेल डाउन माय मोबाइल फोन ब्रोक व्हेन इट फेल डाउन दूसरा देखिए i had i completed my work when the light had gone i completed my work when the light had gone अगर आप गौर से देख रहे हैं बेटा तो ध्यान से सुनिए एग्जाम में पूछा जाता है अगर आप देखेंगे तो इधर भी wen लगा हुआ है इधर भी wen लगाया हुआ है मैंने आपका काम शुरू में ही आसान कर दिया जब मैंने आपको बताया कि आप wen को ट्रीट कर सकते हैं किसकी तरह आफ्टर की तरह कर सकते हैं किसकी तरह ट्रीट कर सकते हैं आफ्टर की तरह अगर आपने इस wen को आफ्टर की तरह ट्रीट किया अगर आपने इस wen को आफ्टर की तरह ट्रीट किया तो क्या मतलब निकला मतलब निकला यह काम बाद में और यह काम पहले यह काम बाद में और यह काम पहले यस और नो yes no? जब हमने वेन को आफ्टर की तरह माना तो सेम मतलब निकलेगा कि ये काम बाद में हुआ होगा यह काम पहले हुआ होगा तो सवाल मन में यह आना चाहिए कि जब मतलब ही एक था तो यह नया शब्द क्यों बना डाला कोई ना कोई लॉजिक तो रहा होगा वैन को हम जब कहते हैं और जब का भी मतलब आफ्टर के समान ही होता है मन में यह बात जरूर आनी चाहिए कि जब आफ्टर जैसा ही मीनिंग है तो वैन को अलग से क्यों बनाया आफ्टर से ही काम क्यों नहीं चला दिया उसके पीछे एक रीजन है और वो रीजन एग्जाम में पूछा जाएगा ध्यान देने जब हम वैन यूज करते हैं तो आफ्टर से वो अलग कैसे होता है देखिए जब हम वैन यूज करते हैं तो दो तरीके की संभावनाएं बनती हैं। दो तरीके की संभावनाएं बनती हैं। पहली संभावना जो बनती है वो क्या है देखिए ये कहता है कि मेरा फो, मोबाइल फोन टूट गया जब वो गिर गया मेरा मोबाइल फोन टूट गया जब वो गिर गया और दूसरे में कहता है कि मैंने अपना काम तब पूरा किया जब बिजली चली गई थी यानी बिजली चले जाने के बाद जो है मैंने अपना काम पूरा किया ये इसके हिंदी अर्थ हैं दोनों के लेकिन ध्यान से सुनिए। जब आप पहले सेंटेंस में जाएंगे तो आप देखते हैं कि इसका मोबाइल फोन टूट गया कब जब गिर गया आप खुद सोचिए कि अगर ये मोबाइल फोन गिरा ना होता अगर ये मोबाइल फोन गिरा ना होता तो ये मोबाइल फोन टूटा भी ना होता यस और नो अगर मोबाइल फोन जो है गिरा ना होता तो टूटा भी ना होता गिरा इसीलिए तो टूटा यानी अगर ये काम हुआ ही ना होता अगर ये काम हुआ ही ना होता तो ये काम भी ना होता यानी क्योंकि ये काम हुआ तभी ये काम हुआ व्हेन बनाता है क्या डिपेंडेंट क्लॉजेस क्या बनाता है डिपेंडेंट का मतलब होता है निर्भर यह काम हुआ है तब भी यह काम हुआ है अगर यह नहीं होगा तो यह भी नहीं होगा मोबाइल फोन गिरेगा नहीं तो टूटेगा कैसे इसीलिए यहां पर वैन लगाए याद रखिएगा वैन के साथ जब दो निर्भर क्लॉजेस जुड़ी हो मतलब एक का लेना दूसरे के साथ है यह तभी होगा ये तभी होगा जब यह होगा तो वैन को हम ट्रीट जरूर करते हैं आफ्टर की तरह लेकिन दोनों तरफ लेकिन दोनों साइड में हम एक ही टेंस यूज करते हैं और वो टेंस है पास्ट का इंडेफिनेट यहां पर देखिए ब्रेक का ब्रोक लगाए सेकंड फॉर्म और यहां पर फॉल का फेल लगाए सेकंड फॉर्म ये भी पास्ट इंडेफिनेट और ये भी पास्ट इंडेफिनेट जब हम वैन के साथ ऐसी चीजों को जोड़ते हैं जब दोनों एक दूसरे से जुड़ी हो एक का होना दूसरे पर निर्भर करता है तो दोनों क्लॉजेस को लिखा जाता है पास्ट इंडेफिनिट में किसमें लिखा जाता है पास्ट इंडेफिनिट में एग्जाम में आपको सवाल देंगे वो क्या सवाल देंगे एग्जाम में वो आपको एक सिंपल सा सवाल दे देंगे और बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे वो आपको लिख के देंगे द लेडी escaped the fire when the fireman had saved her हर देखिए जरा इसको आपको एग्जामिनेशन में यह सवाल लिख के दिया जाएगा और आप बहुत बड़े रट्टू तोते होंगे आप इसको पढ़ेंगे इसका मतलब निकलेगा कि लेडी जो है वो आग से बच गई जब फायरमैन ने उसे बचाया तो आपको पता होगा आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि पहले बचाया होगा फिर बची होगी राइट तो ये काम पहले हुआ होगा ये बाद में हुआ होगा और आपने टेंस का एक रूल याद कर रखा होगा कि पहले काम को पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं तो हैड और सेव लिखा है तो ये पास परफेक्ट ही लिख दिया दूसरे काम को पास में लिखते हैं तो ये यह लिखा है तो यह पास आपकी कहानी बन चुकी है उधर परफेक्ट है है इधर पास्ट है, अब एग्जामिनेशन तो बोलेगा नहीं कि भैया मैं टेंस का सवाल हूं आप सोचेंगे टेंस का तो कोई एरर दिख नहीं रहा हो सकता है कहीं और से आया होगा कंजंक्शन से आया होगा प्रपोजिशन से आया होगा लेकिन आप एक बात भूल रहे हैं कि यहां पर जो वेन लगा हुआ है वो डिपेंडेंट क्लॉज भी बना सकता है ये एक बात बिल्कुल सही है कि आप बाद में हुआ होगा पहले हुआ होगा लेकिन आप खुद सोचिए कि ऐसी पूरी संभावना है कि अगर इस फायरमैन ने इस लेडी को बचाया नहीं होता अगर इस फायरमैन ने इस लेडी को बचाया नहीं होता तो ये लेडी शायद बची भी ना होती यानी ये दोनों क्लॉजेस Osionfish. एक दूसरे पर डिपेंडेंट है एक दूसरे पर निर्भर करती हैं और अगर ये डिपेंडेंट है और अगर ये निर्भर करती हैं अगर ये डिपेंडेंट है और अगर ये निर्भर करती हैं तो आपको इसको पास्ट परफेक्ट में लिखने की जरूरत नहीं है इसको भी पास्ट इंड में इसको भी पास इंड में जब आपने लिखा था तो यहां क्यों छोड़ रहे हो यहां पर भी इसको पास इंडेफ्रिट में लिखिए ऑलरेडी लिखी हुई है लेडी एस्केप्ड इसको भी देखिए हेड और थर्ड फॉर्म यह पास इंडेफेट नहीं है फायरमैन के डायरेक्टली बाद में लिखिए सेकेंड फॉर्म फायरमैन सेव्ड आएगा और आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो यही नॉलेज आपकी वो परखेंगे आफ्टर वेन से अलग कैसे है आफ्टर कभी डिपेंडेंट क्लॉज नहीं बना सकता आफ्टर जब भी आएगा ध्यान से सुनिएगा आफ्टर जब भी आएगा सेंटेंस में जब भी आएगा तो जो दो काम होंगे पहले वाला काम होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा और दूसरा वाला जो काम होगा वो पास्ट इंडेफिनेट में होगा अगर बात पास की हो रही है लेकिन अगर हम वेन यूज करते हैं तो वैन में पहली संभावना बनेगी कि वेन लगा तो है मीनिंग तो है लेकिन अगर वो क्लोजर्स डिपेंडेंट हैं अगर वो क्लोजर्स डिपेंडेंट है तो दोनों ही किस में लिखी जाएंगी पास्ट के इनडेफिनेट में लिखी जाएंगी दोनों ही क्लॉजेस को हमें पास्ट के इनडेफिनेट में लिखना पड़ेगा वेन के साथ पहली संभावना यह बनेगी पहली संभावना यह बनेगी दूसरी संभावना क्या बनेगी मैंने सेंटेंस लिखा था सेंटेंस था आई है आई कंप्लीटेड माई वर्क वेन द लाइट हैड गॉन आई कंप्लीटेड माई वर्क वेन द लाइट हैड गॉन मैंने अपना काम पूरा किया जब बिजली चली गई यानी पहले क्या हुआ बिजली गई और फिर मैंने पूरा किया काम फिर मैंने पूरा किया काम मैं आप सब लोगों से जानना चाहता हूं क्या ये दोनों काम एक दूसरे से रिलेटेड है क्या कहीं से भी ऐसा लगता है कि बिजली ना जाती तो ये काम नहीं करता या ये काम नहीं करता तो बिजली ना जाती यस और नो क्या ये काम डिपेंडेंट है यस और नो आंसर करिए सारे के सारे आंसर करेंगे क्या ये डिपेंडेंट लगते हैं आंसर है ये बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है इनका आपस में कोई भी लेना देना नहीं है लेना देना नहीं है तो ये वेन जो है बिल्कुल इसी की तरह ट्रीट किया जाएगा जहां पर पहले होने वाले काम को पास परफेक्ट में लिखना पड़ेगा और बाद में होने वाले काम को पास इंडेफिनेट में लिखना पड़ेगा देखिए पहले लाइट गई है तो हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है बाद में काम पूरा हुआ है तो आई और कंप्लीटेड लिखा हुआ है तो ये सेंटेंस क्या है एकदम सही है तो वैन के साथ पहली सिचुएशन डिपेंडेंट दूसरी सिचुएशन इंडिपेंडेंट यानी आपस में कोई लेना देना नहीं कोई लेना देना नहीं तो वही करिए जो आप आफ्टर के साथ करते हुए आए थे एक को लिखिए पास्ट परफेक्ट में और एक को लिखिए पास इंडेफरेंट में आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी क्लियर है तो एक बार फटाफट से वाई टाइप करके दीजिए अगर एकदम क्रिस्टल क्लियर है तो एक बार बढ़िया वाला वाई टाइप करके दीजिए अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप घोर पाप कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करिए इसको फटाफट से हम लॉजिकल लर्निंग की तरफ फोकस कर रहे हम रट्टा नहीं मार रहे कि वेन का मतलब जब आफ्टर का मतलब बाद में क्योंकि रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा ये कभी भी रट्टा मार के सिखाया ही नहीं जा सकता कभी भी इसके लिए दिमाग का प्रयोग करना बहुत जरूरी है प्रॉपर फ्रेम ऑफ माइंड होना जरूरी है इस बात को समझना जरूरी है कि जब हम कोई फॉर्म भरते हैं हमें मशीन उन लोगों को मशीन्स की जरूरत नहीं है मशीन्स ऑलरेडी बहुत हैं उन्हें ऐसे लोगों की जरूरत है जो प्रेशर में सोच पाए समझ पाए और तब एक्शन ले पाए और जब सोचने और समझने की क्षमता ही हमारे अंदर नहीं हम खुद लकीर के फकीर हैं हम खुद रट्टाफिकेशन में बिलीव करते हैं हमने खुद रूल बुक बना रखी है तो फिर भैया हमारी जरूरत नहीं है वहां पर जरूरत उन्हीं लोगों की है जो एक्शन टेकर्स हैं जो सोच सकते हैं थिंक करते यू कैन थिंक और यहां पर इसीलिए सवाल भी ऐसे आते हैं आज का जमाना बहुत बदल गया है पंद्रह साल पहले जो पेपर आता था वहां शायद दो चार अट्टू तो निकल भी जाते थे लेकिन आज तो पूरा फोकस होता है ऑन अंडरस्टैंडिंग कितना बेहतरीन तरीके से समझ कर आप क्वेश्चन को जो है आंसर कर रहे हैं आपका वेन क्लियर होता है आपका आफ्टर क्लियर होता है वंस में एक ही लाइन में खत्म कर देता हूं जब भी वंस लिखा आए उसको आफ्टर ही मान लीजिएगा जब भी वंस लिखा आए उसको आफ्टर ही मान लीजिएगा बिल्कुल जब भी वंश लिखा है तो उसको आफ्टर ही मान लीजिएगा कहानी खत्म आफ्टर वेन और वंश की कहानी खत्म आफ्टर वेन और वंश का जो है कॉन्सेप्ट खत्म होता है ध्यान से सुनिए मैं सबसे ज्यादा दिमाग घुमाने वाला कंजंक्शन शुरू कर रहा हूं फिर आपको एक्सरसाइज कराऊंगा सब मिक्स करके दूंगा आप डिसाइड करेंगे कि क्या आंसर्स आने वाले हैं ध्यान से सुनिएगा मैं डिस्कस करने जा रहा हूं अंटेल सबसे ज्यादा बच्चा कंफ्यूज रहता है इसमें इसमें बहुत कंफ्यूजन मिलेगा बच्चे को जबरदस्त वाला कंफ्यूजन मिलेगा ठीक है वर्ड इज अंटिल वंस में एक एक्सेप्शन होता है दुर्गेश बेटा उसको मैं डिस्कस करूंगा अभी ठीक है अंटेल अब ये टिल क्या होता है ध्यान से सुनो अंटिल का मतलब होता है हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए पहले हिंदी लिख देता हूं ठीक उस घड़ी तक और ये हाथ में पहनने वाली घड़ी नहीं है समय वाली घड़ी है ठीक उस घड़ी तक यानी ठीक उस वक्त तक ठीक उस वक्त तक एक सिंपल से सेंटेंस समझा देता हूं ये आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाएगा लेकिन हिंदी पर डिपेंडेंट मत होइएगा जो मैं सिखाऊं उस पर डिपेंडेंट होइएगा सपोज करिए एक सेंटेंस लिखा मैंने ही वेटेड फॉर bus डैश मान लीजिए मैंने क्या लिखा ही वेटेड फॉर द बस डैश के मतलब उसने बस का इंतजार किया कब तक किया ठीक उस घड़ी तक किया <coughs> जब तक आ नहीं गई जब तक बस आ नहीं गई ठीक उस घड़ी तक किया यानी बस के आते ही इंतजार खत्म यही मतलब हुआ इसका ही वेटेड फॉर द बस कब तक ठीक उस घड़ी तक जब तक बस आ नहीं गई जब तक बस आ नहीं गई ठीक उस घड़ी तक जब तक बस आ नहीं गई ठीक है अब जरा देखिएगा जरा जब हम कह रहे हैं कि मैंने अगर इसको हम टाइमलाइन पे बनाएं ये क्या कह रहा है कि ये काम चलता रहा कब तक चलता रहा जब तक ये दूसरा काम नहीं हो गया ठीक उस घड़ी तक चलता रहा जब तक ये दूसरा काम नहीं हो गया उसके बाद ये नहीं चला उसके बाद ये नहीं चला लेकिन तब तक चला जब तक ये दूसरा काम नहीं हो गया यानी इंतजार तब तक चला जब तक ये दूसरा काम नहीं हो गया बस का वेट तब, तब तक चला जब तक ये आ नहीं गई बात समझ में आ रही है तो जब भी हम अंटिल करते हैं, पहला काम चल रहा है चल चल रहा रहा है चला है अचानक से दूसरा हो गया रुक गया अचानक से दूसरा हो गया रुक गया इंट्रोड्यूस हो रहा है अंटिल इंट्रोड्यूस हो रहा है अंटिल यानी मैं काम करता रहा मैं चीटिंग करता रहा जब तक टीचर ने मेरे चार जड़ नहीं दिए अंटिल क्या है अंटिल मैं रोता रहा जब तक मेरे को मनाया नहीं गया अंटिल क्या है अंटिल मैं बिस्तर पर पड़ा रहा जब तक पिताजी ने चार गालियां नहीं दी अंटिल क्या है ये until. काम चलता रहा उस वक्त तक उस वक्त तक दैट इज अंटिल हमें समझने की जरूरत है यहां पर हम क्या लिखेंगे वी वेटेड फॉर द बस अंटिल इट केम ही वेटेड फॉर द बस अंटिल इट केम ही वेटेड फॉर द बस अंटिल इट केम दूसरा सवाल दूसरा सवाल मैं पढ़ता रहा जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ बिल्कुल अंटिल मैं पढ़ता रहा जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ अंटिल ठीक है एक दूसरा सवाल देखते हैं फिर हम एक्सरसाइज में जाएंगे मैंने कहा The politician cursed the opposition leader dash he was stopped. बाय द स्पीकर देखिए एग्जाम का ही पूछा हुआ सवाल है द पॉलिटिशियन कर्स्ट द ऑपोजिशन लीडर डैश ही वॉज स्टॉप्ड बाय द स्पीकर द पॉलिटिशियन कर्स्ट द ऑपोजिशन लीडर that she was stopped by the speaker इसको कैसे समझे? ये जो पॉलिटिशियन था ये बुरा बरा बुरा भला कहता रहा कहता रहा सामने ऑपोजिशन के लीडर को कहता रहा कब तक जब तक दूसरा काम नहीं हो गया वो दूसरा काम क्या था जब तक उसे रोक नहीं दिया गया स्पीकर के द्वारा जैसे ही दूसरा काम हुआ ये काम हो गया पहले वाला एंड यानी ये काम कब तक चला ठीक उस वक्त तक चला ठीक उस ऐसा जरूरी नहीं है कह रहा मैं सिंगल हूं जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती बेटा शादी के बाद भी तू सिंगल हो सकता है जैसी तेरी हरकत है और शादी से पहले भी तू डबल हो सकता है जैसी तेरी हरकत है ठीक है वर्ड है द पॉलिटिशियन कर्स द ऑपोजिशन लीडर डैश ही वाज स्टॉप्ड बाय द स्पीकर ठीक है यहां पर हम क्या लिखेंगे untill उस समय तक जब तक उसको रोक नहीं लिया गया जब तक उसको रोक नहीं लिया गया उसको हम कहेंगे अंटिल उसको हम क्या कहेंगे अंटिल कहेंगे मेरे ख्याल से आपके दिमाग की बत्ती बढ़िया तरीके से एकदम टिमटमा रही होगी अगर टिमटिमा रही है एक बार बढ़िया वाला इंटरेस्टिंग वाला आई टाइप करके दो मुझे मैं आपको एक्सरसाइज में ले जा रहा हूं थोड़ा आपको समय दूंगा फिर डिस्कस करूंगा एक बार आई टाइप करके दीजिए चलिए आखिरी के चार पांच मिनट है हम एक्सरसाइज करेंगे फिर कल इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे ये रही भैया एक्सरसाइज आपकी जरा मुझे अच्छे से समय लगा के एक एक करके नहीं मुझे समझ में नहीं आएगा तुम आंसर क्या दे रहे हो पहले तो मुझे पहली जो एक्सरसाइज तुम्हें दिखाई दे रही है उसका आंसर दे दो वन टाइप करना आंसर देना टू टाइप करना आंसर देना और जाएगा कोई भी नहीं आंसर दे के ही जाओगे वन टाइप करिएगा टू थ्री फोर फाइव चलिए जरा फटाफट से करिए आंसर पढ़िए जो भी सिखाए हैं मैंने आपको ये सब लिखे हुए हैं ठीक है एज सुन एज का भी मतलब सेम होता है साथ साथ ठीक है अब भी देखिए सोचिए क्या यहां पर हमें लगाना है आराम से चलो ट्राई कर लिया है सभी ने अब थोड़ा बेजती करने का समय आया ध्यान सुनना पहले तो देखो तुम्हें ये समझना है अच्छे से पहले तो तुम्हें ये समझना है कि जितने भी क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा ये तुम अलग अलग आंसर टाइप कर रहे हो एक कॉमन आंसर सभी में सही है इन सारे ही क्वेश्चंस में अंटिल आ सकता है अंटिल इज द राइट आंसर फॉर ऑल द क्वेश्चन ये हमारी दशा को भी दर्शाता है कि जहाँ मिले ऑप्शन वहाँ निकल पड़े क्लिक करने के लिए ठीक है ना दुनिया देखी ना समय देखा मौका 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 दिल से आवाज़ आई और एक में ए अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो वैन आफ्टर अंटिल बिफोर और इस तरह से ऑप्शन आ रहे हैं सेंटेंस को पढ़ने की जहमत उठाई नहीं ढंग से पहले तो सबसे पहले ये समझिए कि भैया अंटिल जो है वो सभी में आ सकता है मैं आपको समझाता हूं कैसे देखिए ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली सारे जो मेंबर्स थे परिवार के वो चल रहे थे टेंशन में थे बहुत ज्यादा टेंशन में थे बहुत ज्यादा टेंशन, टेंशन में चल रहे थे सारे के सारे मेंबर्स चलते रहे टेंशन में थे टेंशन में थे टेंशन में थे, टेंशन में थे। लेकिन तभी उसने क्या कर दिया कॉल कर दिया कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं मेरी चिंता मत करना मैं समय पर लौट आऊंगा मैं कहीं गया हुआ हूं घूमने ठीक है चिंता कर रहे थे उस वक्त तक जब तक कॉल नहीं किया कॉल आ गई चिंता खत्म कॉल आ गई तो चिंता खत्म तो अगर ऐसा है तो अंटिल यहां पर सही होगा तो अंटिल यहां पर क्या हो सकता है सही हो सकता है अब दूसरे में देखिए वी वर वेटिंग फॉर द बस हम इंतजार कर रहे थे कर रहे थे कब तक जब तक बस आ गई बस के आने के बाद तो नहीं किया होगा इंतजार अंटिल सोचने की जरूरत ही नहीं थी यहां पर तीसरे में मैं उसकी बातों को सुनता रहा सुनता रहा सुनता रहा कब तक जब तक नींद नहीं आ गई नींद आने के बाद भी सुनता रहा क्या ऐसा तो नहीं हो सकता यानी काम खत्म हो गया ना नींद आने के बाद यानी ठीक उस वक्त तक चलता रहा जब तक नींद नहीं आ गई तो ऐसा है तो भैया अंटिल लगाओ यहां पर क्या लगाओ अंटिल लगाओ टीम जो है अपनी प्रैक्टिस ड्रिल का मतलब प्रैक्टिस होता है टीम जो है अपनी प्रैक्टिस करती रहेगी कंटिन्यू रखेगी अपनी प्रैक्टिस चल रही है प्रैक्टिस भैया चल रही है चल रही है कब तक करती रहेगी जब तक कोच साहब जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाते जब तक सेट जिस मोमेंट में सेटिस्फाइड हो गए उस मोमेंट पर प्रैक्टिस बंद कर देंगे लेकिन तब तक प्रैक्टिस जो है वो चलती रहेगी क्या इनविटेशन इन्व, है भैया अंटिल है अंटिल लगाओ यहां पर क्या आएगा अंटिल जो है उसका इस्तेमाल करिए अंटिल आ जाइए पांचवे पे अ पर्सन हु इज चार्ज विद द क्राइम एक आदमी जिस पे इल्जाम लगा हुआ है वो क्या माना जाता है इनोसेंट माना जाता है बेगुनाह माना जाता है बेगुनाह माना, जा माना जा रहा है माना जा रहा है माना जा रहा है कब तक जब तक ही इज प्रूव्ड गिल्टी यानी जब तक तक जब तक वो गुनहगार साबित ना हो जाए जिस मोमेंट पे गुनहगार साबित हो गया उस मोमेंट पे बेगुना मानना बंद सब एक ही लॉजिक है एक ही कॉन्सेप्ट है सोचना सीखिए स्पेशली जो मेरे किसी और बैच का हिस्सा नहीं है यूट्यूब पर ही क्लास लगा रहे हैं पावर टू थिंक विल डिसाइड योर डेस्टिनी इन एग्जामिनेशन सोचने की क्षमता डिसाइड करेगी कि आप एग्जाम में कहा जाएंगे इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा अंटिल जो है यहां पर सारे ही ऑप्शन में राइट आंसर है किसी में भी गलत नहीं है किसी में भी ये गलत नहीं है ध्यान से सुनिएगा अब यहां पर मैंने इस पैटर्न को क्यों लाया क्योंकि एग्जाम में एक पैटर्न आता है जहां पर दो ब्लैंक दे देते हैं तीन ब्लैंक देते हैं और कहते हैं कि इन तीनों ब्लैंकों में एक ही आंसर आएगा बताओ वो एक आंसर कौन सा है अटक जाओगे तुम अगर तुम उस तरह से नहीं सोचोगे जिस तरह से मैं सोचने की तुम्हें कह रहा हूं ठीक है अब देखो यहां पर कुछ और भी आ सकते थे देखो यहां कुछ नहीं आ सकता सिर्फ अंटिल ही आ सकता है यहां पर कुछ नहीं आ सकता यहां पर कुछ नहीं आ सकता यहां पर कुछ नहीं आ सकता यहां तो सिर्फ अंटिल एक ही आंसर बनेगा क्योंकि बिफोर आता तो पास परफेक्ट आता और आफ्टर आता तो पास परफेक्ट आता और यहां पर पास परफेक्ट कहीं पर भी नहीं लगा हुआ सिर्फ पहला जो ऑप्शन है उसमें कुछ और भी आ सकता है जैसे ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली वर टेंड आफ्टर ही कॉल्ड अस अगर यहां आफ्टर लगाए अगर आफ्टर लगाए तो आफ्टर यहां गलत है पता है क्यों गलत है क्योंकि पहले क्या हुआ उसने कॉल किया और बाद में ये टेंशन में आ गए तो पहले वाला काम पास परफेक्ट में होना चाहिए था यहां पर तो ही तो हो सकता यहां पर वेन देखते हैं एक बार कि ऑल द द फैमिली वेन ही कॉल्डर्स जब उसने कॉल किया तब सारे टेंस थे यानी अगर वो कॉल ना करता तो ये टेंस ना होते वो तो इसने कॉल करके कोई टेंशन वाली खबर दे दी इसीलिए टेंस हो गए यानी ये दोनों काम एक दूसरे पर क्या है डिपेंडेंट है ना ही कॉल आता ना ही टेंस होते ना ही कॉल आता ना ही टेंस होते तो भैया दोनों जब डिपेंडेंट है तो दोनों ये पास इंडेफिनिट में लिखे जा सकते हैं ये भी पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है

पहले वाला काम पास परफेक्ट में लिखना होता है बाद वाला काम कहीं भी नहीं आ सकता यहां पर बिफोर भी नहीं आ सकता चारों में अंटिल है पांचवें में भी अंटिल है लेकिन वेन भी हम लगा सकते हैं ये हमारा कॉन्सेप्ट था देखिए गहन चिंतन जरूर करिएगा क्लास ओवर होने के बाद आप इस आखिरी के दस मिनट जब मैंने इनके आंसर्स को डिस्कस किया है उनको अपने नजरिए से एक बार आजमा कर जरूर देखिएगा आपको जो है बेटर क्लैरिटी मिलेगी फॉर एग्जामिनेशन ये जो दूसरी एक्सरसाइज है मैं चाहता हूं कि आप एक बार खुद करें इसको एक बार इसको खुद करें इसमें सारे आंसर एक नहीं है सारे अलग अलग आंसर हो सकते हैं एक बार खुद करें जब हम कल क्लास को शुरू करेंगे जब हम कल क्लास को शुरू करेंगे तो यहीं से पिक करेंगे जहां से आज छोड़ रहे हैं राइट तो एक बार ये मैं आपको टेलीग्राम पर भी भेज दूंगा अभी तो एक बार इसको चेक कर लीजिएगा सॉल्व करने की कोशिश करेगा सॉल्व करके ही आएगा अगर वीडियो को दोबारा देखने की जरूरत महसूस होती है तो दोबारा भी देखिएगा उस टाइमलाइन को याद रखिएगा बिफोर आफ्टर और साथ साथ वाली बहुत बढ़िया क्लैरिटी जो है वो आपके दिमाग में आएगी आई होप आपको सेशन जो है पसंद आया होगा बढ़िया लगा होगा और आपने बहुत कुछ इंटरेस्टिंग सा सीखा होगा लॉजिकल सा सीखा होगा दिमाग का इस्तेमाल किया होगा आंसर करने से पहले और इसी पैटर्न को हमने आगे बनाकर रखना है जिससे कि हमारी ग्रोथ हो एज अ लर्नर ठीक है जितनी बेहतर ग्रोथ होगी उतना ही बेटर रिजल्ट आएगा ठीक है पुराने जमाने याद करके पेपर देने के लद चुके हैं जा चुके हैं जितनी जल्दी हम समझेंगे उतना जल्दी हम सिलेक्शन ले पाएंगे चलिए थैंक यू वेरी मच तीन बजे जो है मैं आपको रीडिंग कॉम्प्रीशन की एक्सरसाइज के साथ मिलूंगा जहां पर मैं कंप्लीटली लेसन थ्री डिस्कस करूंगा क्लोज टेस्ट का दो में सेशन लगा चुका हूं आपका बहुत सारा प्यार मिला है उसके लिए थर्ड सेशन जो है आज लगाने जा रहा हूं तो आप मुझे तीन बजे जो है मिल सकते हैं तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ थैंक यू वेरी मच